হচ্ছে जी, तमाम स्टूडेंट्स को अगर मेरी वॉइस क्लियर है और मेरी स्क्रीन विजिबल है तो यस टाइप करें। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके। अच्छा, लास्ट सेशन में हमने सीखा था कि हम डोमेन नेम कैसे रिसर्च कर सकते हैं, उस डोमेन की अवेलेबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, और फिर हम उस डोमेन को परचेज कैसे कर सकते हैं। और कुछ हमने जनरल सा एक आइडिया लिया था कोई बात नहीं है समीना, इसमें आप परेशान मत हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने देखा था कि होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। अब आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि होस्टिंग भी बेसिकली कैसे फाइंड आउट की जाती है और कैसे परचेस की जाती है। उससे पहले एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझसे एक डोमेन जो है वो परचेज किया है, तो मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं आपको इसकी लाइव परचेज दिखा दूं कि किस तरीके से हम किसी भी डोमेन को परचेस करते हैं। तो ये बेसिकली जी डोमेन है, और इस डोमेन को हम ऐड टू कार्ट करते हैं, और ऐड टू कार्ट करने के बाद हम इसको परचेस करते हैं। चेकआउट पे हम क्लिक करेंगे, चेकआउट पे क्लिक करने के बाद टोटल प्राइसिंग आ गई। कंफर्म ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे, जैसे हम कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, ये देखें मैं लॉग आउट था अपने अकाउंट से, तो ये मुझसे लॉग इन डिटेल्स मांग, ये मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर दिया। अभी सिंपली मुझे उसी पेज पर ले आया जिस पेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो देनी है, अपना नेम, अपना एड्रेस, अपना सिटी, कंट्री, स्टेट, पोस्टल कोड, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, तमाम चीजें देनी है, ठीक है। अब उसके बाद आपको जस्ट ये देखिए पे नाउ पे क्लिक करना है और आपका डोमेन परचेज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम डोमेन को परचेस करते हैं। ये देखिए, ये अभी पेमेंट प्रोसेस हो रही है, बैंक अकाउंट ऑलरेडी अटैच था मेरे इस अकाउंट के साथ, ठीक है। ये लिखा हुआ आ गया जी, थैंक यू फॉर योर परचेस, ये ऑर्डर नंबर आ गया और हमने ये डोमेन परचेस कर लिया। अब अगर मैं अपने अकाउंट में आ जाऊं, डैशबोर्ड पे आ जाऊं मैं अपने अकाउंट के, तो मैं आपको दिखाऊंगा ये जो अभी हमने डोमेन परचेस किया है, ये डोमेन यहाँ पर ये शो हो रहा है, ठीक है जी, ये डोमेन हमने परचेस कर लिया। इस तरीके से कोई सा भी डोमेन हम परचेस कर सकते हैं। अच्छा, होस्टिंग के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, देखिए नेमचीप भी होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन नेमचीप जो होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है वो शेयर्ड होस्टिंग है, वो सी पैनल होस्टिंग नहीं है, ठीक है जी। शेयर्ड होस्टिंग और सी पैनल होस्टिंग के बारे में लास्ट सेशन में मैं आप लोगों से काफी सारी डिस्कशंस कर चुका हूं, ठीक है। तो अब किसी भी शेयर्ड होस्टिंग को पहले मैं आपको दिखाता हूं कि शेयर्ड होस्टिंग कैसे परचेस की जाती है। सबसे पहले आप यहां पर सर्च करेंगे शेयर्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, ठीक है। अब ये एड्स को छोड़ दीजिए, ये जहां जिनके साथ एडी लिखा हुआ है ये एड्स हैं, ठीक है। ये देखिए ए टू होस्टिंग है, ये होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हम देख लेते हैं कि कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये देखिए ये शेयर्ड होस्टिंग दे रहे हैं, वर्डप्रेस होस्टिंग, ठीक है। और इसके कुछ पैकेजेस इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए, हम ये शेयर्ड होस्टिंग के पैकेजेस जो हैं वो चेक कर सकते हैं। ये देखिए $2.99 पर मंथ से स्टार्ट हो रहा है, फिर 4.99 है, फिर 9.99 है, उसके बाद 14.99, ठीक है। अब आप इसको 3 years के लिए परचेज करना चाहते हैं, अगर आप 1 year के लिए करना चाहते हैं तो देखें ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अगर आप मंथली के लिए करना चाहते हैं तो प्राइसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है।
अब अगर आप 1 ईयर के लिए परचेस करते हैं तो $6.99 पर मंथ है, और इसको परचेस करने के लिए गेट स्टार्टअप पे आप क्लिक करेंगे, जो जो चीजें आगे रिक्वायर्ड होंगी वो आप फिलअप करेंगे और आप इसको परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ और प्लेटफॉर्म देख लेते हैं, ये WP बिगिनर है, ब्लू होस्ट भी देखें, ब्लू होस्ट अच्छी कंपनी है शेयर्ड होस्टिंग परचेस करने के लिए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मार्केट में 90% जो है वो यूज की जाती है सी पैनल होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग को लोग ज्यादातर पसंद नहीं करते। अभी आप व्यू प्लान्स के ऊपर क्लिक करें तो ये देखिए, ये $2.95 पर मंथ का प्लान है और 36 MO टर्म आ रहा है। अभी देखिए, वन वेबसाइट आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, 50 GB SSD स्टोरेज है, कस्टम थीम है, 24/7 कस्टमर सपोर्ट है, और SSL सर्टिफिकेट फ्री है, CDN फ्री है। यहाँ पर आप देखें अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं, ये शेयर्ड होस्टिंग है, ठीक है। उसके बाद ये तीन पैकेज हैं, बेसिक प्लस एंड चॉइस प्लस, चॉइस प्लस भी सेम रेट पर ही ऑफर कर रहे हैं, इसमें भी वही चीजें हैं जो, अच्छा कुछ चीजें फर्क है, फ्री डोमेन प्राइवेसी, फ्री ऑटोमेटेड बैकअप 1 ईयर, ठीक है। तो ये आप पैकेज, जो आपको पैकेज सूट करता है वो आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक और वेबसाइट भी देख लेते हैं, नेमचीप भी देखें प्रोवाइड कर रहा है, नेमचीप भी आपको होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है। अब हम होस्टिंग के ऊपर आ जाते हैं, तो शेयर्ड होस्टिंग दे रहा है, वर्डप्रेस होस्टिंग भी दे रहा है, आप शेयर्ड होस्टिंग पे आ जाएं। तो ये शेयर्ड होस्टिंग के प्लान्स हैं जी इसके, ठीक है। मंथली प्लान है, ईयरली और 2 ईयर्स का प्लान है। अब अगर मंथली आप देखें तो $2.88 पर मंथ है, 20 GB SSD है, 3 वेबसाइट्स आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ईयरली प्लान में 1.16 पर मंथ है, 60% ऑफ है, और सेम वही चीजें हैं, 2 ईयर्स के लिए भी वही चीजें हैं, और प्राइसिंग जो है वो थोड़ी सी मजीद इससे, यहाँ 1.16 है, यहाँ पर प्राइस ज्यादा है, और ये बड़ी हैरानी की बात है कि ईयरली पे इन्होंने 60% ऑफ कर दिया और 2 ईयर्स के लिए जस्ट 50% ऑफ है। हालांकि नॉर्मली ऐसे नहीं होता, ईयरली के लिए कम ये ऑफ करते हैं और 2 ईयर्स के लिए ज्यादा ऑफ करते हैं, ठीक है। चलिए, वो खैर कंपनी है, उनको बेटर पता। इसके अलावा जो सी पैनल होस्टिंग है, सी पैनल होस्टिंग ढूंढना थोड़ा सा हैक्टिक है। अब हम ये सी पैनल होस्टिंग प्रोवाइडर्स को देख लेते हैं। बेसिकली नेमचीप की सी पैनल होस्टिंग नहीं है, ठीक है, ये अपने जहन में रखिएगा, ये कुछ मिसगाइड भी करते हैं। ये देखें 7 बेस्ट सी पैनल होस्टिंग प्रोवाइडर्स, ठीक है। सी पैनल होस्टिंग थोड़ी सी कॉस्टली भी होती है शेयर्ड होस्टिंग से, ठीक है। अभी देखिए, ब्लू होस्ट सी पैनल दे रहा है, होस्ट केटर दे रहा है, इन मोशन दे रहा है, A2 होस्टिंग, साइड ग्राउंड, गो डैडी और होस्ट पापा, ठीक है। ये तमाम नीचे शो भी करवाए हैं, 4.8 रेटिंग है, अप टाइम अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं। ये 4.6 है, ठीक है, 4.5 है, ये आप डिफरेंट जो है वो चेक कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर ये इसकी प्राइसेस भी आ रही होंगी, ये देखें 2.75 30 डेज के लिए, 2.75 45 डेज के, 2.49 90 डेज के लिए, 3.92 एनी टाइम, 6.99 30 डेज के लिए, 4.99 नो इसका टाइम ड्यूरेशन नहीं है, 3.95 48 आवर्स के लिए, ठीक है, होस्ट पावर। तो ये डिफरेंट टाइप की होस्टिंग्स हैं जो आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको सी पैनल चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। अच्छा, अब जब हम डोमेन एंड होस्टिंग परचेस कर लेते हैं, बेसिकली जब हम डोमेन परचेज कर लेते हैं और डोमेन परचेज करने के बाद जब हम होस्टिंग के बारे में देख रहे होते हैं कि हमें कौन सी होस्टिंग लेनी चाहिए, तो उस वक्त हमें क्या करना होता है, यहाँ पर कुछ चीजें हैं मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूं। देखिए, होस्टिंग की टाइप्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि शेयर्ड होस्टिंग है और सी पैनल होस्टिंग है, और कंट्रोल पैनल होस्टिंग जो है ये रेकमेंडेड है। ज्यादातर 90% तक जो लोग हैं वो सी पैनल होस्टिंग को यूज करते हैं। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करें कि दो पैरेलल रोड्स जा रहे हैं, उन रोड्स को आप आपस में
कनेक्ट करना चाहते हैं और दरमियान में एक नहर है, तो आप उसको किस चीज के थ्रू, कौन सा ऐसा मीडियम आप यूज करेंगे जिससे आप उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकें? ब्रिज, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखिए इसपे मैं आपको बताता हूं कि डोमेन और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट करने के लिए एज अ ब्रिज जो चीज यूज होती है वो हम वो कहलाती है जी DNS। DNS stands for domain name server, ठीक है। अब डोमेन नेम सर्वर बेसिकली क्या है? बेसिकली ये एक आईपी होता है और ये सिक्योरिटी होती है। अगर ये सिक्योरिटी ना रखी जाती तो कोई भी किसी भी डोमेन को अपनी होस्टिंग के साथ अटैच कर सकता था और वेबसाइट खराब कर सकता था। तो इसीलिए डीएनएस की सिक्योरिटी रखी गई है ताकि क्लाइंट जो है वो सिक्योर रहे और क्लाइंट को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। अब देखिए इस डोमेन नेम सर्वर के नाम से आपको पता लग रहा है, मुझे ये बताएं, एक क्वेश्चन का आंसर करें कि सर्वर जो है वो डोमेन नेम प्रोवाइडर होगा या होस्टिंग नेम प्रोवाइडर होगा? सर्वर किसके पास होगा, डोमेन नेम प्रोवाइडर के पास या होस्टिंग प्रोवाइडर के पास? बिल्कुल गलत। एचपी ने आंसर किया है, पता नहीं है ज़िकोएक्स क्या नाम है, मुझे नहीं पता, इन्होंने एक आंसर किया जी। तमाम लोग आंसर करें जी। अब मुझे आंसर सही आए हैं कासिम का, मोहसिन का, मोहम्मद इब्रार का। होस्टिंग कंपनी जो है वो सर्वर रखती है, डोमेन नेम प्रोवाइडर सर्वर नहीं रखता। आप लोग कम से कम चलें नकल ही कर लिया करें, ये सामने लिखा हुआ था कि हु प्रोवाइड्स यू द डीएनएस होस्टिंग कंपनी, ठीक है। Who provides you the DNS? Hosting company आपको DNS provide करेगी। अच्छा, अब इसमें DNS setup करने में जी आपको किसी के questions show नहीं हो रहे तो इसमें आपको बिल्कुल problem नहीं होना चाहिए। आप अपने question से ताल्लुक रखें, मुझे directly सारों के messages आ रहे हैं, उससे आपका कोई ताल्लुक ही नहीं, ठीक है। देखिए DNS setup करने के दो जो है वो वजूहात है। पहली जो वजह है उसमें आपको डीएनएस सेटअप नहीं करना, यहां पर मैंने एक कैप्शन दिया है कि व्हेन वी नीड टू सेटअप डीएनएस, हमें किस वक्त डीएनएस सेटअप करना है, उसके लिए मैंने दो स्टेटमेंट्स दीजिए जी हैं। पहली स्टेटमेंट है इफ वी बाय डोमेन एंड होस्टिंग फ्रॉम वन कंपनी देन वी डोंट नीड टू ऑल्टर डीएनएस, तब हमें डीएनएस सेटअप करने की जरूरत नहीं है अगर हम एक ही कंपनी से डोमेन और होस्टिंग परचेज कर रहे हैं। डोमेन और होस्टिंग अगर हम एक ही कंपनी से परचेस कर रहे हैं, सपोज हम नेमचीप से ही डोमेन ले रहे हैं और नेमचीप से ही हम होस्टिंग ले रहे हैं, तो हमें डीएनएस सेटअप करने की जरूरत नहीं है। इसके बरक्स अगर हम डोमेन एक प्लेटफॉर्म से परचेस कर रहे हैं और होस्टिंग हम किसी और कंपनी से परचेस कर रहे हैं, तो हम जैसे ही उस कंपनी से कॉन्टैक्ट करते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि जी हम आपकी होस्टिंग परचेज करना चाह रहे हैं, या तो वो ऑनलाइन फॉरम के ऊपर ही आपसे जो है वो डोमेन नेम अटैच कर लेंगे, उधर आपको डीएनएस नहीं देना होगा, या फिर वो ये करेंगे कि वो आपको अपना डीएनएस प्रोवाइड करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली आप इस डीएनएस को सेटअप कर दें ताकि हम आपके डोमेन को होस्ट कर सकें अपने अपने सर्वर्स के ऊपर, ठीक है। अब मुझे जरा आंसर करें कि अगर आप एक ही कंपनी से डोमेन नेम और होस्टिंग बाय कर रहे हैं तो क्या आपको डीएनएस सेटअप करने की जरूरत है? एग्जैक्टली, ठीक है। और इसके बरक्स अगर आप एक कंपनी से डोमेन ले रहे हैं और दूसरी कंपनी से आप डीएनएस ले रहे हैं, तब आपको होस्टिंग तब आपको डीएनएस सेटअप करने की जरूरत है। अच्छा, इतने सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और आंसर्स जो हैं वो मुझे 10 12 15 आ रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं आ रहे। तमाम लोग आंसर करें, तमाम लोग पार्टिसिपेट किया करें, ठीक है। इससे मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है और मेरा भी दिल करता है कि मैं आप लोगों को जरा थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ाऊं, ठीक है।
आप लोगों के लिए ही यहाँ पर आए हैं हम लोग, आपको ही पढ़ाने के लिए सिखाने के लिए आए हैं। तो अगर आप लोग ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर हम लोग भी पीछे हो जाएंगे, ठीक है? तो पार्टिसिपेट किया करें, जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो वो आप उसका आंसर किया करें। डीएनएस बेसिकली जी, दोबारा से बता रहा हूं कि डीएनएस एक ब्रिज है जो डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करता है, और डीएनएस एब्रिविएशन है डोमेन नेम सर्वर का। अब डीएनएस हमें परचेज नहीं करना होता, हमें बेसिकली होस्टिंग परचेज करना होती है। अब जैसे देखिए हमारी कंपनी है, मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, हमारी कंपनी है उसका नाम है 786hosting.net, ठीक है? हम भी होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं लेकिन हम ऑनलाइन होस्टिंग प्रोवाइड नहीं करते। आपको एक नंबर दिया जाएगा, जो लोग होस्टिंग परचेज करना चाहते होंगे डोमेन एंड होस्टिंग, आप लोगों के लिए एलडब्ल्यू के स्टूडेंट्स के लिए हमारा एक खसूसी पैकेज है जिसमें हम मिनिमम रेट्स के ऊपर आपको होस्टिंग एंड डोमेन पर जो है वो परचेज करके देते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है? आप लोगों को मैं एक मशवरा दूंगा कि आप लोगों में से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, ये जस्ट 2300 रुपीज की अमाउंट है, इसमें आपको .xyz एक्सटेंशन का डोमेन दिया जाएगा और डोमेन नेम आप हमें सेंड करेंगे, और साथ आपको 1 ईयर के लिए होस्टिंग दी जाएगी, 1 ईयर के लिए डोमेन दिया जाएगा, जस्ट 2300 रुपीज। लेकिन एक चीज याद रखिए कि इसमें .xyz एक्सटेंशन का डोमेन होगा, .com का डोमेन नहीं होगा, ठीक है? ये आपको इसलिए ये इतने चीप प्राइसेस के ऊपर इसमें इस प्राइसिंग में हम अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं ताकि आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कर सकें, इसलिए आपको इतने लो रेट्स के ऊपर हम सी पैनल होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों में से जो लोग विलिंग हो, जिनको परचेज करनी हो, तो मैं आप लोगों के साथ नंबर शेयर करूंगा, मेरे असिस्टेंट हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट करके और आप जो है वो परचेस कर सकते हैं। .com डोमेन की जो खाली डोमेन की प्राइस है वो कम से कम 1800 है, तो उसके पैकेज में ये 3800 रुपीस का पैकेज बनता है, उसमें होस्टिंग के चार्जेस उतने ही हैं। ये एक नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये नंबर मेरे असिस्टेंट हैं, उनका नंबर है, आप इनसे डोमेन एंड होस्टिंग के लिए व्हाट्सएप इन्हें आप कर सकते हैं। जिसको भी डोमेन एंड होस्टिंग परचेस करनी होगी वो यहाँ पर अपना डोमेन नेम सेंड करेगा और वो आपको अवेलेबिलिटी चेक करके उसकी प्राइसेस बता देंगे, आप पेमेंट पे करेंगे जैस कैश, इजी पैसा या बैंक अकाउंट के थ्रू, और उसके 24 आवर्स के अंदर आपको आपके क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। वो मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ कि कैसे हम होस्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब डीएनएस सेटअप करने के लिए, अब सपोज एक कोई पर्सन है, उन्होंने अपना डोमेन परचेज कर लिया है, ठीक है? अगर हमसे कोई मोहसिन कांटेक्ट करता है तो हम उनको डायरेक्टली, हाँ जी, मेल भी कर देते हैं, अगर वो व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, हम ये देखते हैं कि किस मीडियम के थ्रू उन्होंने कांटेक्ट किया, हम उन्हें वहीं पर ही प्रोवाइड करते हैं डीएनएस। हम उन्हें ये दो डीएनएस प्रोवाइड करते हैं, एक DNS 1 है और एक DNS 2 है। बेसिकली ये दो DNS क्यों है, DNS 2 इसलिए है कि एक तो कंपल्सरी है, दूसरा DNS हम ऑल्टरनेट के तौर पर देते हैं कि अगर किसी वक्त फर्स्ट DNS वर्किंग नहीं कर रहा, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो सेकंड DNS जो है वो उसको अल्टर करे और उसकी जगह पर वर्किंग करे ताकि हमारी वेबसाइट डाउन ना हो। अब इसमें आप देखें NS1 का मतलब है नेम सर्वर 1 और NS2 का मतलब है नेम सर्वर 2। बाकी आगे जो है वो हर कंपनी का डिफरेंट होगा, हमारा 786hosting.net है तो हमारा यहाँ पर हमने यही बनाया है, हर कंपनी का DNS डिफरेंट होता है। अब DNS सेटअप कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। DNS को आपने सेटअप करना होता है डोमेन की सेटिंग्स में। आप अब देखें, जैसे हमने ये अभी एक डोमेन परचेज किया है सनम ट्रेडिंग को, ठीक है, सन सम पता नहीं क्या है ये नाम, सन सम ट्रेडिंग को, ठीक है? अब ये एक डोमेन हमने अभी परचेस किया, अब इसका DNS सेटअप करने के लिए आपको डोमेन की सेटिंग में आना होता है। ये देखिए, इसी डोमेन के आगे ये मैनेज का बटन है, आप मैनेज के बटन पे क्लिक करेंगे और मैनेज के बटन पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर कुछ ये डोमेन की सेटिंग्स आपको शो हो रही हैं। सबसे पहले ये आपको बता रहा है कि स्टेटस एंड वैलिडिटी, ठीक है, ये मार्च 18, 2021 को परचेज हुआ है और मार्च 18, 2022 को एक्सपायर हो जाएगा,
उसके बाद हम इसे रिन्यू करवा सकते हैं। हुइज गार्ड इसके ऊपर एक्टिवेटेड है, वो भी एक साल के लिए है। प्रीमियम डीएनएस को छोड़ दीजिए, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ये है जी नेम सर्वर। अच्छा, अगर आप एक ही कंपनी से डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसे नेम चीप बेसिक डीएनएस पर ही रहने दें अगर आप नेम चीप से ही होस्टिंग ले। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी से होस्टिंग ले रहे हैं तो तब आपको यहाँ पे क्लिक करके ये नीचे कस्टम डीएनएस का ऑप्शन है, ये दे देना है। अब देखिए यहाँ पर ये आपसे दो डीएनएस जो है वो रिक्वायर कर रहा है, नेम सर्वर वन और नेम सर्वर टू। अब हम नेम सर्वर वन अपना दे देते हैं और नेम सर्वर टू भी हम अपना यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। अब ये मेरे तो यहाँ पर कैश में सेव है तो इसलिए यहाँ पर आगे, वरना जो कंपनी ने ऐसे प्रोवाइड किए होते हैं उन्हें आप यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप उन्हें यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और उसके बाद ये एक टिक का साइन है जो कि सेव का साइन है, आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपके डीएनएस सेव हो जाएंगे सेटिंग के अंदर, ठीक है। ऊपर आप देखें एक मैसेज आ गया कि डीएनएस सर्वर अपडेट में टेक अप टू 48 आवर्स टू टेक इफेक्ट, ठीक है। 48 आवर्स लगते हैं डीएनएस को इफेक्ट करने में। समटाइम्स ये जल्दी कर देता है, समटाइम्स टाइम लगता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। नॉर्मली जो है वो 6 से 12 घंटों के अंदर अंदर ये डीएनएस सेटअप हो जाता है, ठीक। तो उसके बाद होस्टिंग कंपनी जो है वो डोमेन को अपने साथ कनेक्ट कर सकती है, और अगर आप किसी भी वक्त चाहें कि आप होस्टिंग कंपनी को डिसकनेक्ट कर दें तो आप यहां से नेम चीप बेसिक डीएनएस के ऊपर ले आए, आप उनके डीएनएस यहां से रिमूव कर दें, ठीक है, तो वो फौरी तौर पर जो है वो उनकी एक्सेस खत्म हो जाएगी और वो होस्टिंग कंपनी आपके डोमेन को एक्सेस नहीं कर सकेगी, क्योंकि डोमेन को सिक्योर रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक हो गया। अब ये हमने जो है वो डीएनएस भी सेटअप करना सीख लिया। अब मैं आपको अपने रिसेलर होस्टिंग पैनल दिखाने जा रहा हूं जो कि एक्सक्लूसिव है, कोई भी नहीं दिखाएगा आपको, वो मैं आपको इसलिए दिखाने जा रहा हूं। देखिए उसकी एक्सेस आप लोगों के पास नहीं होगी, वो हमारा ऑफिशियल होस्टिंग पैनल है जहां से हम होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं और वो काफी कॉस्टली है, उसके हम मंथली जो है वो 400 से $500 तक जो है वो हम पे करते हैं, तो उसकी एक्सेस आप लोगों के पास नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपको अपना रिसेलर होस्टिंग पैनल दिखाता हूं और प्रोसेस दिखाता हूं कि हम किस तरीके से किसी भी डोमेन को होस्टिंग के साथ अटैच करते हैं डीएनएस सेटअप करने के बाद। अब ये हमारा पोर्टल है जी जो कि हमारा रिसेलर होस्टिंग पैनल है, ठीक है, यहां से हम होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, ये लॉगिन हो जाता है। तो मैं फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से ये पैनल है, यहाँ से हम न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अकाउंट्स जो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं उनकी लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स जो हैं वो हमारे क्रिएटेड हैं। ये देखें यहाँ पर लिस्ट अकाउंट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। अभी ये ओपन कर देंगे तो हम देख सकेंगे कि हमारे पास कौन कौन से अकाउंट्स हैं, और ये देखिए बहुत सारे अकाउंट्स हैं हमारे पास। अगर हम यहाँ से ऑल करते हैं तो ये ऑल शो करवा देगा, ठीक है। ये देखिए स्क्रॉल डाउन करते जाएं, बहुत सारे अकाउंट्स हमने यहाँ से प्रोवाइड किए हैं, कुछ 400-500 अकाउंट हैं जो हमने यहाँ से प्रोवाइड किए, ठीक है जी। फिर ये देखिए बीच में कुछ बदतमीजियां भी होती हैं, फिर उनके जो अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये शो हो रहा है कि ये अकाउंट जो है ये ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं, और क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ से मैंने एक डोमेन ऑलरेडी परचेज किया हुआ है और उसकी होस्टिंग मुझे प्रोवाइड करना है। ये एक डोमेन है, हम इस डोमेन का मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसका डीएनएस ऑलरेडी सेटअप कर दिया था, ये देखिए ये मैंने इसका डीएनएस सेटअप किया हुआ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इस डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना है, ये डोमेन नेम मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, सिंपल से प्रोसेस है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। क्रिएट अ न्यू अकाउंट, मैं जरा अपना डीएनएस फ्लश कर दूं, ये देखिए अब यहां पर हमें अपना डोमेन नेम देना है। डोमेन नेम देने के बाद हम इसे खत्म कर देंगे यहाँ से, और हम यहाँ पर
एक मिनट दीजिएगा जी मुझे, मैं इसको जरा रीलोड कर लूँ। यहाँ पर मुझे डोमेन नेम देना है। डोमेन नेम देने के बाद नीचे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली उसका यूजर नेम क्रिएट कर देता है। उसके बाद हम यहाँ से पासवर्ड जनरेट करते हैं, यूज पासवर्ड। ये पासवर्ड हम ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं क्योंकि ये मोस्ट सिक्योर पासवर्ड होता है। और हमारे इस क्लाइंट ने हमें जो ईमेल आईडी प्रोवाइड किया होता है, आप जैसे देखें ये स्टूडेंट हैं, इन्होंने डोमेन परचेज किया है तो .xyz में 2300 का पैकेज इन्होंने लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इनका ईमेल आईडी यहाँ पर हम मेंशन करते हैं, और ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद हम इनको पैकेज देते हैं। अच्छा, जो पैकेज हम आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं उसमें 5GB स्टोरेज है। आप हमसे 100GB तक की स्टोरेज एक अकाउंट के लिए परचेज कर सकते हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आगे डिस्कस करूंगा। होस्टिंग का बिजनेस भी आप मार्केट में कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होता है कि कुछ भी नहीं करना है, इसके बाद हमें सेटिंग के अंदर कुछ भी नहीं छेड़ना है, ठीक है, और हमें जस्ट सिंपल क्रिएट अकाउंट करना है, ठीक है। मैं एक मिनट के लिए स्टॉप शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये क्रेडेंशियल्स मैं आपको नहीं दिखा सकता, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ जस्ट ये जी होस्टिंग हमारी हो रही है, ये देखिए अभी तक प्रोसेस चल रहा है। ये जी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आप इसको नहीं देख सकेंगे क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड होते हैं और यूजर नेम होते हैं, तो बहुत सारे बीच में ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फिर उन अकाउंट्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं आपको ये फाइल नहीं दिखा सकता। मैंने आपको प्रोसेस दिखाना था, वो मैंने आपको दिखा दिया कि हम किस तरीके से जो है वो डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है जी। अब ये इसकी डिटेल मुझे एक दफा सेव करनी नहीं दीजिए, ठीक है, और मैं इसकी डिटेल सेव कर लूं, फिर मैं आपको ये फाइल दिखा दूंगा। ये देखिए मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन दोबारा शेयर करने जा रहा हूं। ये देखिए, ये इस टाइप की फाइल हम बना लेते हैं, एक टेक्स्ट की फाइल बना लेते हैं। इसके अंदर यूजर नेम भी है, पासवर्ड भी है, ठीक है, और ये हम जो है वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो अपने कंट्रोल पैनल को एक्सेस कर सके, ठीक है। अब ये फाइल है, ये फाइल इनकी है, क्लाइंट की है, तो मैं इन्हें ये फाइल इस तरीके से, देखिए इन्होंने व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट किया तो मैं इन्हें व्हाट्सएप पर ही ये फाइल प्रोवाइड करूंगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा के डाउनलोड द फाइल फॉर द सी पैनल क्रेडेंशियल्स, ठीक है जी। इसमें यूजर नेम है, पासवर्ड है इस फाइल के अंदर, तो वो इसको यूज करेंगे अपने सी पैनल को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। हाँ जी, मुझे बताएं यहां तक क्लियर हुआ है आप तमाम लोगों को? किस चीज में कंफ्यूजन है जी? अब आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे से पूछ सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है मैं आपको आंसर करता हूं, और नेक्स्ट सेशन में फिर हम जो है वो आपको प्रॉपरली सी पैनल कैसे जो है वो एक्सेस किया जाता है और वर्किंग कैसे स्टार्ट की जाती है वो हम शेयर। सर, अगर हम डोमेन और होस्टिंग अलग अलग कंपनी से बाय करेंगे तो हमें DNS बाय नहीं करना, DNS आपको होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करेगी और आपने जस्ट उसको सेट कर सेटअप कर, ठीक है, टेक्नोपोवा के नाम से है जी। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए अपना। सेटअप कहाँ से करेंगे? ये आपको अभी मैंने डोमेन की सेटिंग आपके आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं आपकी खुली हुई है, और ये यहां से आप कस्टम DNS के ऊपर क्लिक करके यहां पर आप DNS देंगे। अभी तो आपको समझाया है मैंने। सर, होस्टिंग आप हमें बाय करके दे सकते हैं ना? जी बिल्कुल दे सकते हैं, हमारी तो अपनी होस्टिंग कंपनी है, हम आपको बिल्कुल होस्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं।
और होस्टिंग कंपनी हम लोगों ने क्यों शुरू की थी, मैं आपको बताऊं, वो इसी वजह से की थी कि पाकिस्तान में जो लोग होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे वो बहुत ही बेकार किस्म की होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे थे, तो इसीलिए हमने अपना होस्टिंग का सेटअप बनाया था। फिर हमसे कुछ क्लाइंट्स ने ली और ये हमारा प्राइवेट एक सेटअप है, इसको हम जो है वो नेशनली या इंटरनेशनली सेल नहीं करते, हम सिर्फ अपने जो लोग हैं जो हमारे ताल्लुक में हैं उन्हें ही हम प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं का काफ़ी बिजनेस है हमारे साथ, ठीक है। और डिफरेंट लोगों की वेबसाइट्स हैं, किसी की 250 वेबसाइट्स हैं, किसी की 500 वेबसाइट्स हैं, किसी की 10 वेबसाइट्स हैं, किसी की 50 वेबसाइट्स हैं, उन्होंने हमारे से होस्टिंग परचेज की हुई है। सर यहाँ अकाउंट बनाएंगे हम? नहीं जी, कोई अकाउंट आप यहाँ पर क्रिएट नहीं करेंगे सर। DNS इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर वेब सर्विसेज, वेब सर्विसेज के लिए नहीं। बेसिकली DNS जो है वो कम्युनिकेट करता है बिटवीन होस्टिंग एंड डोमेन, ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन है सर, होस्टिंग को कैसे सेटअप करेंगे? ये आप सेटअप नहीं करेंगे, मैंने आपको एक प्रोसेस दिखाया है और वो प्रोसेस मैंने आपको इसलिए दिखाया है ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि होस्टिंग जो है वो DNS को कैसे, डोमेन को कैसे अपने पास होस्ट करते हैं। वो प्रोसेस एक आपको दिखाया है कि अगर आपका क्लाइंट आपसे इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसको आंसर कर पाए, ये ना हो कि आप आए बाएं शाएं करते रहें और वो क्लाइंट आपका भाग जाए, ठीक है। इसलिए आपको ये मैंने दिखाया जी। और कोई क्वेश्चन सर? नेमचीप और WHM पर हम अकाउंट बनाएंगे? नहीं जी, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये आपको सिर्फ एक प्रोसेस दिखाया है और इस प्रोसेस के बारे में आपको बताया है कि यूं ये एक प्रोसेस होता है, आप यहाँ पर कोई अकाउंट नहीं बनाना है आपको। नेमचीप के ऊपर आपको बनाना है लेकिन WHM के ऊपर अकाउंट आप नहीं बना सकते, $4,000-5,000 आप पे नहीं कर सकते सर। xyz.com की होस्टिंग $1 है, क्या मतलब है इस बात का जैनब? मैं समझा नहीं आपकी बात सर। सेटअप के ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, आप लेक्चर को अपने रिपीट कीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। DNS सेटअप के बाद खुद ब खुद सी पैनल एक्सेस हो जाएगा? नहीं, होस्टिंग कंपनी जब तक होस्ट नहीं करेगी तब तक सी पैनल एक्सेस नहीं होगा। आप DNS सेटअप करके होस्टिंग कंपनी को बता देते हैं कि हमने DNS सेटअप कर दिया, उसके बाद वो 24 आवर्स के अंदर फर्स्ट ट्राई करते हैं, फिर 48 आवर्स में ट्राई करते हैं, जैसे ही आपका DNS सेटअप हो जाता है वो उसको होस्ट कर लेते हैं और आपको उसके क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कर देते हैं। सर अगर हम क्लाइंट के लिए परचेज करें तो क्या आप हमें देंगे? जी बिल्कुल देंगे होस्टिंग, आप अगर लेना चाहेंगे तो। सर शेयर होस्टिंग इज बेटर और सेकंड? सेकंड सी पैनल बेटर है जी। जुरेश, क्लाइंट को हमने होस्टिंग बाय कर देनी होती है, वो खुद नहीं कर सकता? नहीं जी, ज्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपको ही कहेंगे कि आप हमें परचेस कर दें, वो खुद से परचेस नहीं कर, और ये अच्छा बिजनेस है, इसमें आप अच्छी अर्निंग कर सकते। रिकॉर्डिंग आपको जी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, ठीक है। विल वी बी कीपिंग द कंस्ट्रक्शन वेबसाइट इन और होस्टिंग? जी बिल्कुल आप रख सकते हैं। सर लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं मिली, क्यों जी? कौन होस्ट है हमारे साथ मौजूद? होस्ट हमारे साथ, मनाहिल सर। अच्छा ये स्टूडेंट सर, अगर होस्टिंग बाय करनी पड़ती है तो होस्टिंग कंपनी साथ में फ्री DNS प्रोवाइड करती है जी? DNS फ्री होता है बिल्कुल, DNS के कोई चार्जेस नहीं जी। ऑनलाइन कुरान के नाम से हैं, आप पूछिए आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ओके सर, तो फिर अभी स्टार्ट पर बस हम नेमचीप पर अकाउंट बनाएं? जी बिल्कुल नेमचीप पे अकाउंट। सर रिकॉर्डिंग कब मिलेगी फर्स्ट लेक्चर की? आज मिल जाएंगी आपको इंशाल्लाह। और किसी वेबसाइट पे अकाउंट नहीं बनाए? नहीं जी, और किसी पे नहीं बनाए। अच्छा समीना कह रही है कि सर मिली है रिकॉर्डिंग? सर मिल गई थी, चलें जिन लोगों को नहीं मिली आज दोबारा से लिंक शेयर हो जाएगा आप उनके साथ। सर सी पैनल इज फॉर वन वेबसाइट? जी बिल्कुल, सी पैनल पे आप एक वेबसाइट कनेक्ट कर सकते हैं। सर फेसबुक पर 5,000 की वेबसाइट सेल हो रही है? बेटा मैंने आपको बताया है कि ये लोग आप लोगों के कंपटीटर नहीं हैं, आप जो वेबसाइट बनाएंगे वो कम से कम आप $100 में सेल करेंगे, इससे कम में आप सेल नहीं करेंगे।
और वो भी उसमें डोमेन और होस्टिंग शामिल नहीं होगी। अगर उसमें डोमेन और होस्टिंग शामिल होगी तो वो आप 25,000 रुपये तक सेल करेंगे, इससे कम में सेल नहीं करेंगे। यही टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ। होस्टिंग का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ब्रॉड सर, आपने डीएनएस डोमेन कंपनी से सेटअप किया है लेकिन आप कह रहे हैं कि होस्ट कंपनी डीएनएस देगी। जी तो मेरी अपनी जो होस्टिंग कंपनी है, मैं तो अपनी कंपनी का ही डीएनएस सेटअप करूंगा ना, वो तो मेरे पास मौजूद है। इरफान आप समझे नहीं है बात को, मेरी अपनी होस्टिंग कंपनी है और मेरा क्लाइंट मुझसे होस्टिंग परचेज कर रहा है, तो मैं अपना डीएनएस खुद ही, उन्होंने डोमेन भी मुझसे बाय किया है, होस्टिंग भी। तो जब एक डोमेन मैंने खुद बाय किया है तो उसका डीएनएस भी मैं खुद ही सेटअप करूंगा ना, मैं क्लाइंट को तो नहीं कहूंगा कि वो सेटअप करें क्योंकि उसकी एक्सेस नहीं है उनके पास। सर अगर बस नेम चीप पर अकाउंट बनाए और डोमेन और होस्टिंग नेम चीप से ही बाय करें तो आप कर सकते हैं, वो शेयर्ड होस्टिंग है, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि शेयर्ड होस्टिंग सिक्योर नहीं होती। तो बस ये दोनों चीजों से अर्न कर सकते हैं जी, इनसे भी आप अर्न कर सकते हैं, इसके अलावा वेबसाइट डिजाइनिंग से आप असल में अर्न करें। विदाउट डोमेन एंड होस्टिंग के वेबसाइट कैसे बनाएंगे? विदाउट डोमेन एंड होस्टिंग वेबसाइट नहीं बनती है समीना, डोमेन और होस्टिंग के साथ वेबसाइट बनती है। हमें होस्टिंग क्लाइंट के लिए कहाँ से बाय करनी है? भाई आपको कह तो रहा हूँ कि आप हमसे भी बाय कर सकते हैं, अदरवाइज आपको रिसर्च करना भी बताया है, आप किसी भी कंपनी से बाय कर सकते हैं। अम्मार जी, अमर हैं या अम्मार हैं जो भी हैं जी, और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? वेलकम सर। क्लाइंट की डिमांड क्या होती है, जैसे डोमेन और होस्टिंग मांगता है वो? बस देखिए क्लाइंट की डिमांड होती है जी कि मुझे वेबसाइट बना दें। आप सबसे पहले उससे पूछते हैं कि आपका डोमेन नेम आपने परचेज कर लिया? अगर वो कहते हैं जी हमने परचेज नहीं किया, तो आप सबसे पहले डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करते हैं, उसके चार्जेस जो हैं वो आप क्लाइंट से लेते हैं, क्लाइंट आपको पे करता है, उसके बाद आप उसके ऊपर डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है। सर प्रैक्टिस के लिए फ्री होस्टिंग हो सकती है? जी बिल्कुल, एक वेबसाइट है लेकिन उसके ऊपर बहुत लिमिटेड सी प्रैक्टिस है, आप तमाम लेक्चर्स की प्रैक्टिस उसके ऊपर नहीं कर सकेंगे। वो वेबसाइट है जी 000 वेब होस्ट के नाम से, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि उसके ऊपर कैसे आप फ्री डोमेन एंड होस्टिंग ले सकते हैं, 000000 webhost.com। ठीक है, नंबर मैं शेयर कर रहा हूं जी आप लोगों के साथ दोबारा से, जिनको डोमेन एंड होस्टिंग चाहिए होगी वो इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। बेसिकली ये व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना डोमेन नेम व्हाट्सएप करेंगे तो फिर आपको जो है उसकी प्राइस बताई जाएगी। सर कोई न्यू असाइनमेंट तो नहीं करनी? जो भी आपको लेक्चर दिया जाता है वो आपकी असाइनमेंट होती है, वो आपको परफॉर्म करनी होती है जी। मदीहा आप क्वेश्चन कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर डोमेन और होस्टिंग हम उसे पूछ के नेम चीप से प्राइस देख के उसे बताएं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो आप पूछ के ही बताएंगे कि डोमेन की प्राइस क्या है और होस्टिंग की प्राइस क्या है, और उसमें आप अपने चार्जेस भी ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखें हम आपको नॉर्मल होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं 2,000 रुपए की, और हमारे जो स्टूडेंट हैं उसी होस्टिंग को 3,500 रुपए से 4,000 रुपए तक सेल करते हैं। ठीक है, तो वो 2,000 रुपए की हमसे परचेस करते हैं और 4,000 रुपए की सेल करते हैं। ठीक है, डोमेन 1,800 रुपए का परचेस करते हैं और 2,500 रुपए में सेल करते हैं। आपने असाइनमेंट दिया था? जी बिल्कुल, मुझे जरा बताइए आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट करवाई थी, बताइए जी जरा। आएंगे वो लोग फिर एडवांस लेवल के ऊपर नहीं जा सकते। जी क्लाइंट को आप 1 ईयर की परचेज करके दें, अगर क्लाइंट कहते हैं तो आप उसको 2 ईयर्स की परचेज कर दें, जैसे आपको क्लाइंट कहता है आपको वैसे ही करना। सर बस जमीन से बाय करके इसी जैसी अपनी फाइल बनानी, बस यहाँ तक का प्रोसेस होता है बस। नहीं जी, इससे आगे भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। ओके, आपने करवा दी थी? सर मैंने बना ली बट वो सबमिट नहीं हो रहा। क्यों जी, क्यों सबमिट नहीं हो रहा? ओके, आपने करवा दी? मैंने सबमिट करवाया था सर, नमीर नेम के है मेरा। ओके नमीर, आपकी सबमिट हो चुकी होगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। सर डोमेन की प्राइसेस सेम भी होती हैं
जी नॉर्मली अगर आप डॉट कॉम का डोमेन परचेज करें तो उसकी प्राइसेस जो हैं वो सेम ही होती हैं, 1800 रुपए का तकरीबन हमें कॉस्ट करता है टैक्सेस वगैरह सारा कुछ डाल के। ठीक है सर, आपको रिक्वेस्ट सेंड की है फेसबुकिंग ऑन व्हाट्सएप मिस, ये मेरा नंबर आप नोट डाउन कर लीजिएगा और होस्टिंग के लिए आप इन्हें प्रोवाइड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं नंबर एक दफा फिर शेयर कर। ओके सर। बेटा आप यहाँ से कॉपी कर लें, ये मैं सेंड टू एवरीवन कर रहा हूँ, आप तमाम लोग इसको कॉपी कर लें, ये मैंने सेंड टू एवरीवन कर दिया। ठीक है आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। सर अभी तो हमारा स्टार्ट है, क्या अभी से डोमेन नेम और होस्टिंग परचेज, अगर अभी से आप परचेज कर लें तो बहुत बेटर है, आप लोग प्रैक्टिस अच्छी कर सकेंगे। सर अगर एक क्लाइंट की डिमांड बस डोमेन और होस्टिंग बाय करने की हो तो बस हम, हाँ जी बिल्कुल, आप उसे सिर्फ वही परचेज करके देंगे। ठीक है सर, हाउ कैन आई सबमिट माई असाइनमेंट, आप फेसबुक ग्रुप पे जाएंगे और वहां पे पोस्ट कर देंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का सेशन यहीं तक था, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जिंदगी बखैर आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।